पहली बात तो ये नोट कीजिए, हुजूर इंतहाई गयूर इंसान थे, इंतहाई गयूर। ये कहा जाता है कि अगर हुजूर घोड़े उसमें सवार होते थे ऊंट पर और आपका कोड़ा नीचे गिर गया तो आप ये किसी से नहीं कहते थे कि जरा ये मेरा कोड़ा मुझे पकड़ा देना, ये भी गवारा नहीं था। आप ऊंट बिठाकर नीचे उतरकर अपना कोड़ा खुद उठाते थे। किसी से अपने जाती काम के लिए कोई मदद मांगना इम्कान ही नहीं। बल्कि एक वाक्य तो वो है, जब भी मैं तस्करा करता हूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हिजरत के वक्त का वाक्य है। आपको मालूम है हुजूर ने तमाम मुसलमानों को मक्के से जाने की इजाजत दी, चले जाओ मदीने, चले जाओ मदीने। आप खुद थे मौजूद, इसलिए कि रसूल अपने मकाम को नहीं छोड़ सकता विदाउट एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब हजरत अबू बकर पूछ रहे हैं, हुजूर इजाजत आ गई? नहीं आई। आ गई? नहीं आई। दिन गुजर रहे हैं। हजरत आयशा की रिवायत है कि एक रोज हमने देखा दोपहर के वक्त आ रहे हैं हुजूर, कपड़े से अपना सर जो है ढांपा हुआ है। अरब में दोपहर के वक्त विजिट करना जो है ये उनके खिलाफ दस्तूर है, उनकी तहजीब के खिलाफ ये कैरूले का वक्त होता। तो हैरान हुए, आते ही फरमाया अबू बकर हिजरत की इजाजत हो गई। अब इंतहाई खुशी से और बड़ी उम्मीद में कि बड़ी शाबाश मिलेगी, हजरत अबू बकर फरमाते अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने दो ऊँटियां तैयार कर रखी है, खूब खिला पिला के उन्हें फरवा किया हुआ, ये हिजरत में हमारे काम आएगी। हुजूर थोड़ा सा तवक्कु फरमाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, एक मैं इस्तेमाल करूंगा लेकिन मैं उसकी कीमत अदा करूंगा। हजरत अबू बकर रो पड़े, हुजूर मुझसे यह मुबारक, शायद के तलाब के साथ रहने वाला उससे यह मुबारक, जरा से इशारे पर अपनी कमसिन बेटी पेश कर दी निकाह के अंदर, उससे यह मुबारक। रो पड़े, लेकिन हुजूर की अपनी गैरत थी, मैं कीमत दूंगा।